नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आज़ादी। मैं अभिषेक कुमार। शुरू से ही विवादों में चली आ रही इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इस मसले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए हैं कुमार सर्वेश। आप जाने माने शिक्षाविद हैं और पटना में आपका सार्थक संवाद नाम से एक संस्थान है जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े छात्रों को आप पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। 2017 में इस स्कीम को लाया था और इसे बेहद पारदर्शी व्यवस्था बताया जा रहा था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? अवश्य मुझे यह लगता है कि हाल के दशकों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं, अगर मैं इंडियन डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यह जजमेंट जो है वह ऐतिहासिक है जी। जिस तरह से कॉरपोरेट पॉलिटिशियन नेक्सस डेवलप कर रहा था, क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वह सिर चढ़कर बोल रहा है पॉलिसी मेकिंग से लेकर के, और ये चीज़ें केवल भारत भर में नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेनन है। तो ऐसी स्थिति में यह फैसला डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। और डेमोक्रेसी के जो के कंटेक्स में हम तीन बातें करते, हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, और हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मुझे यह लगता है कि इसके कारण जो इलेक्टोरल फंडिंग में पारदर्शिता के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, वह पारदर्शिता अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णायक साबित होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम देखें यह बॉन्ड इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, क्या सरकार के द्वारा तर्क दिए गए थे, तो दो कंटेक्स्ट में मैं इंडिकेट करना चाहूंगा। इससे कहा गया था कि इलेक्टोरल फंडिंग में पारदर्शिता आएगी जी। और दूसरा तर्क दिया गया था कि इससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में जो काले धन की भूमिका है, उस पर अंकुश लगाया जा सकना संभव होगा। क्योंकि 2017-18 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जब इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसके पहले तक की स्थितियां यह थी कि 20,000 से कम, 20,000 तक के जो इलेक्टोरल फंड एक्सेप्ट किए जाते वो कैश के रूप में एक्सेप्ट किए जा सकते थे जी। और 20,000 से अधिक के जितने भी फंड होते वो आप कैश के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, वो डिफरेंट फॉर्म, चेक हो, ड्राफ्ट हो या अदर फॉर्म हो, उसके जरिए। दूसरी चीज, 20,000 से अधिक के फंड जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं चुनावी चंदे के रूप में, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस जरूरी था। अब समस्या इसमें क्या आती थी, बसपा जैसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि जितने इलेक्टोरल फंड प्राप्त करती थी वो कैश के फॉर्म में प्राप्त करती थी और 20,000 से कम में ही, तो बड़ी चालाकी से उसे निपटा दिया जाता जी। अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड की खासियत की बात मैं करूं तो दो चीजों की ओर इशारा करना चाहूंगा। नंबर वन, कैश रिसिप्ट के लिमिट को 20,000 से घटा करके 2,000 कर दिया गया। मतलब अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश चंदा 2,000 से अधिक के डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो मैं इसे पॉजिटिव मानता हूं। दूसरा जो कंटेक्स है, इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें यह कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मतलब जो चंदा देने वाले हैं वो SBI में जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और वो जिसको भी चंदा देना चाहते हैं वो बॉन्ड उनके द्वारा सौंप दिया जाएगा और उस बॉन्ड को वो भुना सकते हैं। 15 दिनों के अंदर बॉन्ड को भुना लेना था, अदरवाइज वह पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता।
अच्छा, अगर 15 दिन के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको नहीं भुनाई तो वो प्रधानमंत्री रात को स्वतः चला जाता, उसका मतलब 15 डे का लाइफ ही है। तो अगर इस कंटेक्स में देखा जाए तो इससे यह उम्मीद की गई कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये तर्क दिया गया। और क्योंकि ये जो मनी आएगी वो व्हाइट मनी के फॉर्म में होगी, ठीक है, वो ब्लैक मनी नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड विक्रेता बैंक के पास सारे डिटेल मौजूद होंगे लेकिन वो डिटेल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो उस डिटेल की जानकारी या तो बैंक के पास है और ऑब्वियसली SBI के पास है, SBI को ऑथराइज किया गया और SBI पब्लिक सेक्टर के बैंक है जिसकी ओनरशिप और जिसका कंट्रोल जो है वो सरकार के पास है। तो या तो वो सूचनाएं सरकार के पास होंगी, SBI के पास होंगी, या वो सूचनाएं सरकार के पास होंगी, अदर किसी के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं होगी। अब समस्या यहीं से शुरू होती है, नहीं जी, समस्या यहां से यह शुरू होती कि जो पार्टी चंदा रिसीव कर रही है उसे ये पता है कि हमें किसके द्वारा डोनेशन दिया गया है जी। नहीं, लेकिन लोग, अच्छा, लोगों को यह पता चलेगा कि इस बॉन्ड के जरिए इतनी राशि उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन अब समस्या यह उभर करके आती, यह पता नहीं चलेगा कि चंदा देने वाला कौन है। और जब यह पता नहीं चलेगा कि चंदा देने वाला कौन है तो यह पता लगाना भी मुश्किल है कि उस चंदे, उस डोनेशन ने पॉलिसी मेकिंग को, पब्लिक पॉलिसी को कहां तक प्रभावित किया है और उस पब्लिक पॉलिसी का कितना बेनिफिट जो है डोनर्स को मिल रहा है। तो इसके कारण जो है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये तो कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी की बजाय जो है ये सेक्रेसी की ओर ले जाता है। और इस सेक्रेसी के कारण यह आइडेंटिफाई करना, एक कॉरपोरेट कैपिटल नेक्सस जो डेवलप कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कर पाना और उसके आधार पर सरकार की नीतियों की आलोचना कर पाना, यह बहुत मुश्किल हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट जो है वह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यह लार्जर कॉमन गुड में है। जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया है, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ आए जिसके आधार पर कोई बातचीत आगे की जाए। लेकिन पूर्व कानून मंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, चूंकि जो दाता हैं सरकार तो बदलते रहती है तो उसको किसी तरह का समस्या ना हो, उस दाता का भी अपना चिंता हुआ करता था डोनर का, तो इसको ध्यान में रख करके भी इसको लाया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे जो एक तर्क दिया गया था गोपनीयता जी, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो भी डोनेशन दिया जा रहा है उसमें डोनर के बारे में सूचनाएं पब्लिक नहीं होंगी, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होंगी। नंबर वन, अगर पब्लिक डोमेन में वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो कल के डेट में कोई ऐसी पार्टी सरकार में आती है जब जो मतलब जिसको डोनेशन दिया गया है उसकी विरोधी पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में इस बात की आशंका हो सकती कि उस पार्टी के द्वारा जो है उस डोनर्स को परेशान करने की कोशिश की जाएगी और इसको हम कहें तो राजनीतिक बदले की भावना जो है इससे प्रमोशन मिलेगा अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती है जी। और इस तर्क में कुछ सच्चाई भी है क्योंकि राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें आने वाले समय में राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की राजनीति के और जोर पकड़ने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है, जब किसी भी स्कीम को का मूल्यांकन हम कर रहे होते तो हमें कुछ पहलुओं पर विचार करना होता है, जैसे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन पहलुओं पर विचार किया है, गोपनीयता के पहलू पर विचार किया है, निजता के पहलू पर विचार किया है। लेकिन एक दो चीजें हमें समझनी होगी। नंबर वन, हमें यह समझना होगा कि हमारे यहाँ जो भी अधिकार है, चाहे राइट टू प्राइवेसी ही क्यों ना हो, एब्सोल्यूट नहीं है जी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उन पर इम्पोज किए जा सकते हैं, अर्थात व्यापक हित में उन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, मर्यादित किया जा सकता है। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा कंटेक्स अगर हम देखें तो यह उभर करके सामने आता
कि किसी भी स्कीम के पक्ष या विपक्ष में जो है कब हम खड़े हो, उसका आधार क्या हो, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि उस निर्णय की लागत क्या है, कीमत क्या है, और उस निर्णय के बेनिफिट कितने हो रहे हैं। अगर लागत ज्यादा होगी और बेनिफिट कम होंगे तो ऐसी स्थिति में उस निर्णय के साथ जाने से हम परहेज करेंगे। अगर बेनिफिट ज्यादा होंगे, लागत कम होगी, तो हम उस निर्णय के साथ कंटिन्यू करेंगे। यहां पर जो बातें मैं कहता कि अगर कॉरपोरेट डोनेशन के पैटर्न को आप देखें तो जो भी कॉरपोरेट्स होते, ऐसा नहीं होता कि किसी एक को डोनेशन देते, वो सबको डोनेशन देते हैं और सबके साथ गुडविल बना करके चलने की कोशिश करते हैं, नंबर वन। नंबर टू अगर हम देखें तो डोनेशन देने के क्रम में हाँ, अनुपातिक संतुलन उस राजनीतिक दल के पक्ष में होता है जिसकी हवा होती है, जिसकी लहर होती है, जिसके जीतने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गोपनीयता का मसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निजता का मसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल डोनर और कॉरपोरेट डोनर के बीच डिफ्रेंशिएट किया है जी। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसका एक पर्पस ये हो सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी से हमारा एफिलिएशन हो, जुड़ाव हो। उसका रीजन ये हो सकता कि उस पॉलिटिकल पार्टी से हमारा जुड़ाव ना हो लेकिन उसकी विचारधारा से हम प्रभावित हों। उसका एक महत्वपूर्ण रीजन यह हो सकता है कि हो सकता है उसके पॉलिटिकल लीडरशिप से हम प्रभावित हों, हो सकता है लोकल पॉलिटिकल लीडर जो है उनके साथ हमारी ट्यूनिंग हो। तो वहां पर पर्पस कॉमर्शियल नहीं होता है जी। लेकिन कॉरपोरेट्स के जो द्वारा जो डोनेशन दिए जाते, एक तो लार्जर वॉल्यूम में डोनेशन दिए जाते और दूसरा अगर हम देखें तो उसका कॉमर्शियल पर्पस होता, प्रॉफिट मेकिंग का पर्पस होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सत्तारूढ़ दल को मतलब फिनेंशियली ऑबलाइज करना और बदले में सत्तारूढ़ दल से जो है डिफरेंट प्रकार की छूटें हासिल करना, जो ऑब्वियसली जो छूटें होंगी वो पब्लिक पॉलिसी के थ्रू होगी और जिन छूटों की कीमत किए गए पॉलिटिकल डोनेशन की तुलना कई गुना ज्यादा होती है और उसका कॉस्ट कॉमन मैन को चुकाना पड़ता है जी। और इसी डिफरेंशिएशन के आधार पर ऐसे ट्रांजैक्शन को सर्वोच्च न्यायालय ने कमर्शियल ट्रांजैक्शन की संज्ञा दी और ऐसे ट्रांजैक्शन के कंटेक्स्ट में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की बात की। यहां पर एक और बिंदु मैं एड ऑन करना चाहूंगा जी। अगर हम गौर करें तो जब 2017-18 में इस स्कीम की घोषणा होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा होती और फिर फिनांस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आप देखेंगे कंपनी एक्ट में भी संशोधन किया जाता है और कंपनी एक्ट में संशोधन करने के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी संशोधन किया जाता। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किए जाने के पहले कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा 182(1) थी वो 182(1) पॉलिटिकल डोनेशन के कंटेक्स में मैक्सिमम कैप निर्धारित करती थी। कोई भी कंपनी लास्ट 3 ईयर के अपने नेट प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट जो होता उसके 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकती थी। 3 साल के बेनिफिट में, 3 साल जी। जो मतलब इन एवरेज लास्ट 3 ईयर के बेसिस पर एवरेज एनुअल प्रॉफिट को काउंट किया जाता और उस एवरेज एनुअल प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा डोनेशन उसके द्वारा नहीं दिया जा सकता था, नंबर वन। नंबर टू, और उस डोनेशन के संदर्भ में डोनर कौन है, किसको दिया जा रहा है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन तमाम संदर्भों में ये सूचनाएं उपलब्ध करवानी होती, इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने होते थे, ये सूचनाएं उपलब्ध करवानी होती थी। लेकिन 2017 में फिनांस एक्ट के जरिए
कंपनी एक्ट 2013 के इन प्रावधानों को संशोधित किया गया जी। और यह प्रावधान किया गया कि कोई भी कंपनी अब कितने भी वॉल्यूम में पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती है, 7.5% के कैप को हटा लिया, असीमित कितना भी दे सकती है, असीमित। और दूसरा काम जो इसमें किया गया कि जो डॉक्यूमेंटेशन की अनिवार्यता थी, पूरा ब्योरा जो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता था पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को और उस कंपनी को खुद मेंटेन करना होता था, ठीक है, उससे उनको छूट दे दी गई। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो जिस तरह से सिल्क कंपनियां काम करती हैं, जिस तरह से ये चीजें उभर करके सामने आती, अगर आप ये परमिट कर रहे, क्योंकि होता क्या है पब्लिक पॉलिसी में एक छोटा सा लूप होल्स जो है 40,000-50,000 करोड़ के बेनिफिट पहुंचा जाती है किसी कंपनी को जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बजाय कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी पर जोरदार हमला किया, और जो डेमोक्रेसी थी उस डेमोक्रेसी पर कॉर्पोरेट कंट्रोल को इंश्योर करने का काम किया। और ऐसी स्थिति में जो क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप कर रहा है, मतलब सिंपल सी चीज है, इसको मेरी बातों को सिंबॉलिकली देखा जाए, किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट से जोड़ करके ना देखा जाए, दो मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उस समय अडानी के नेट टर्नओवर को देखा जाए, उनके प्रॉफिट को देखा जाए, और आज अडानी के नेट टर्नओवर को देखा जाए, उनके प्रॉफिट को देखा जाए, और जिस तरह से अंबानी अडानी और कॉरपोरेट घरानों के साथ शीर्ष नेतृत्व की नजदीकियों की बात सामने आती है, और ये नजदीकियां मई 2014 में नहीं बनी है, ये नजदीकियां जो है वो विकसित हुई तब जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और कहीं ना कहीं इन नजदीकियों ने भाजपा के अंदर शीर्ष नेतृत्व पर के स्तर पर मोदी जी को प्रतिष्ठित करने में और भारत के प्रधानमंत्री बनवाने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है जी। तो ये जो लार्जर कंटेक्स्ट है, इस लार्जर कंटेक्स्ट को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, हम इस चीज को ओवरलुक नहीं कर सकते कि 2017-18 से 2022-23 के दौरान कुल 12,008,59,00,000 रुपया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंड प्राप्त होते हैं, और इनमें भाजपा को 6,565 करोड़ की राशि प्राप्त होती है 50% से, दैट इज नियर अबाउट मोर देन 55% राशि अकेले भाजपा को प्राप्त होती है, जबकि 5 और नेशनल पार्टी है। अगर कांग्रेस के कंटेक्स में देखा जाए तो कांग्रेस को करीब करीब 1,123 करोड़ की राशि प्राप्त होती है जी। जो 9.4% के आसपास पहुंचती है जी। मतलब देखें, दो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी जो है उसके बीच के गैप को अगर देखा जाए तो करीब करीब 6 गुने का गैप है, और ये समस्या अदर 4 नेशनल पार्टी की क्या स्थिति है आप देख ले, टॉप 6 में नेशनल पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर 2, दूसरी चीज अगर हम देखें तो हम ये भी पाते हैं कि ये केवल सेंटर में नेशनल पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड नहीं देखता कि फंड का फ्लो रूलिंग पार्टी की तरफ है जी। अगर स्टेट पॉलिटिक्स में भी जाकर के देखें तो टीएमसी जो पश्चिम बंगाल तक सिमटी हुई है, पश्चिम बंगाल टीएमसी को जो इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए चंदा प्राप्त हुआ है वो है करीब करीब 10,093 करोड़, मतलब कांग्रेस से थोड़ा सा कम, जबकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और टीएमसी रीजनल राज्य में है। बीआरएस को जाकर के देखें 913 करोड़ के आसपास की राशि प्राप्त होती है, बीजेडी को देखें 774 करोड़ की राशि प्राप्त होती है, डीएमके को देखें तो 616 करोड़ की राशि प्राप्त होती है जी। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, समझने की क्या जरूरत है कि आज इंडियन डेमोक्रेसी के सामने दो बिगेस्ट चैलेंजेज है। अक्सर जब बात उठती है तो हम लोग कहते हैं विपक्ष कमजोर है, अक्सर बात उठती है विपक्ष कहां है,
विपक्ष के नेता कहां है, क्यों नहीं बोल रहे, जरा गौर किया जाए। दो स्तरों पर, नंबर वन रिसोर्सेज के फ्लो को देखा जाए तो रिसोर्सेज के फ्लो में जो इंबैलेंसेज है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच, नेशनल पॉलिटिक्स में भी स्टेट पॉलिटिक्स में भी, क्या रिसोर्सेज का फ्लो जो है वह इक्वल है, टू सम एक्सटेंट इक्वल है, क्योंकि पहले भी रूलिंग पार्टी की ओर रिसोर्सेज का फ्लो कंपैरेटिवली ज्यादा था, अपोजिशन की ओर यह फ्लो कंपैरेटिवली कम था, लेकिन पहले इतना गैप नहीं था जितना बड़ा गैप पिछले मतलब 7-8 वर्षों के दौरान क्रिएट हो चुका है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर रिसोर्सेज का फ्लो प्रभावित होगा तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हो रहे हैं वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन मुश्किल होगा। दूसरी चीज अगर हम देखें, जितने मीडिया हाउस हैं देखा जाए तो कॉरपोरेट उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर वहां पर जाकर के देखें तो चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर लें, चाहे एस्टेब्लिश मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, अगर हम वहां पर जाकर के देखें तो वहां पर ऑपोजिशन के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं मिलेगा। जब तक ऑपोजिशन के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस आप क्रिएट नहीं करेंगे, कैसे उम्मीद करते कि डेमोक्रेसी मजबूत हो। तीसरी बात जो मैं करना चाहूंगा, मैं एक आंकड़ा देख रहा था इसी के कंटेक्स्ट में, किस प्रकार चुनावी प्रक्रिया खर्चीली हो रही है जी। और चुनावी प्रक्रिया जैसे जैसे खर्चीली होगी कॉरपोरेट्स के जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पर जो है उसकी पकड़ मजबूत होगी, नियंत्रण मजबूत होगा, शिकंजा मजबूत होगा, और वह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार जो है वह आम जनता के हितों में काम करने की बजाय अपने कॉरपोरेट नियंत्रकों के हितों में काम करने में अधिक रुचि प्रदर्शित करेगी। किसानों की बेहाली को आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो यहां पर तीसरी चीज जो कहूंगा, जब आंकड़ा देख रहा था तो अकेले भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 45% इलेक्शन एक्सपेंडिचर किए हैं अकेले भाजपा ने, रेस 55% में सारे नेशनल पार्टी और सारे रीजनल पार्टी। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के कंटेक्स्ट में यह कहा जा रहा है कि भाजपा का कुल चुनावी खर्च में लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में भाजपा के शेयर के 50% के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद कर सकते, और बिना लेवल प्लेइंग फील्ड के लोकतंत्र कमजोर होगा या लोकतंत्र मजबूत होगा, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यहां पर एक तीसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सोशल मीडिया है जी। तो जब 2019 के आंकड़े को मैं देख रहा था तो अकेले भाजपा ने 4,000 करोड़ सोशल मीडिया कंपेन पर खर्च किए, सोशल मीडिया कंपेन पर, केवल सोशल मीडिया कंपेन पर। तो आप इससे अंदाजा यह लगा सकते कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएट ना हो पाने की समस्या जो है, यह मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर डेमोक्रेसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर क्रोनी कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो मुझे यह लगता है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है राहत प्रदान करने वाला है, डेमोक्रेसी को भी राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं आम जनता को भी राहत मिलेगी। साथ ही डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती जी। सवाल यह उठता, आज अगर सड़कें खामोश होती दिखाई पड़ रही है तो सड़कों के खामोश होने के पीछे रीजन क्या है? सड़कों के खामोश होने के पीछे रीजन यह है कि हमारे पास कल तक जो जन आंदोलन के हथियार हुआ करते थे, जिसमें सरकार और कॉरपोरेट की साठगांठ को हम आइडेंटिफाई करने की स्थिति में थे और उसको आधार बना करके उसके विरोध में हम सड़कों पर उतरा करते थे, आज के डेट में हम तक वो सूचनाएं पहुंचने नहीं दी जा रही। और चूंकि सूचनाएं ही नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कर पाने की हम स्थिति में नहीं है कि वो कॉरपोरेट को, किस पर्टिकुलर कॉरपोरेट को बेनिफिट पहुंचा रहा है और किसकी कॉस्ट पर ये बेनिफिट पहुंचाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे लोकतंत्र को ताकत मिलेगी।
इलेक्टोरल बॉन्ड के समय जो व्यवस्था की गई उसको आरटीआई से जो दूर रखा गया कि कोई आम नागरिक इसकी सूचना नहीं ले सकता है, तो क्या ये साजिश के तहत लिया गया या पहले भी व्यवस्था थी कि आप आरटीआई के जरिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, नहीं, पहले भी ये सूचनाएं तो आती ही थी, आप ले सकते थे ना किसी राजनीतिक दल से? ये सूचनाएं जो है वो आती थी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हो रहा है, किसने चंदा दिया, ये सूचना इलेक्शन कमीशन से हम लोग ले सकते थे। हाँ। लेकिन इसमें जो किया गया तो हाँ। क्या ये आप मानते हैं कि ये उद्देश्य पूर्वक जो है सरकार जो है इसको निश्चित तौर पर किया है? निश्चित तौर पर। और ये मतलब मुझे यह लगता कि हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट शब्दों में ये बातें कही कि इसका पर्पस है, इसका पर्पस है कि कैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्लिगेट कर रहे हैं और उस ऑब्लिगेशन को पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से कैसे रूलिंग पार्टी के द्वारा जो है उस ऑब्लिगेशन को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और कॉर्पोरेट को ऑब्लिगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज को छुपाना इसका प्राइम पर्पस है। जी सर, आपने कहा सर कि चुनाव जो है खर्चीला होता जा रहा है और इतने सारे जो डोनेशन मिले हैं और उसमें आपने बताया कि खास दल को जो है बीजेपी को अधिकांश चंदा बीजेपी को गया है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से इससे पहले एक जांच हो जाता कि किस दल को कितना चंदा मिला है? मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है तो उस फैसले को एक बार मैं ब्रीफ कर दूँ, फर्दर उन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। जी ठीक है जी। और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल का सहारा लिया है, एक राइट टू नो, जानकारी का अधिकार, जानने का अधिकार, जिसका संबंध आर्टिकल 19(1)(a) से जाकर के जोड़ता जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच से जाकर के जोड़ता जी। नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वायलेटिव माना है आर्टिकल 14 के, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है जी। तो उसने ईबीएस स्कीम को उसके प्रति भी वायलेटिंग माना है और इसीलिए विथ इमीडिएट इफेक्ट उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी। नंबर टू, केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड को जारी करने पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड जिनकी अगले 15 दिनों तक वैलिडिटी है उन इलेक्ट्रल बॉन्ड को विड्रॉ करने का निर्देश दिया जी, और उसके एवज में रिफंड इशू करने का भी निर्देश दिया है बैंक को। नंबर थ्री, एसबीआई को इस बात के निर्देश दिए गए कि 6 मार्च 2024 तक अर्थात अगले 3 सप्ताह के दौरान जी, इंटरिम ऑर्डर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का आया था 12 अप्रैल 2019 को जी, तो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड की खरीद बिक्री हुई है उनके संदर्भ में वे सारे डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करवा दें, किसने खरीदा, कितना खरीदा, किसको सौंपा। ठीक, चुनाव आयोग से यह अपेक्षा की गई विदिन 1 वीक अर्थात 13 मार्च 2015 तक उन तमाम सूचनाओं को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए हुआ। मतलब मुझे यह लगता है कि कई बार अनायास ही, मतलब जब आप क्राइसिस मोमेंट में होते, जब आपको लगता है अब सर्वाइवल मुश्किल है, अचानक रे ऑफ होप आपको दिखाई पड़ता और आपको पुनर्जीवन मिलता हुआ दिखाई पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला आया है, यह फैसला 15 फरवरी को आया है जी, अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। ये तमाम सूचनाएं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 13 मार्च 2024 तक उपलब्ध करवाई जानी है, और एक बार ये सूचनाएं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाती तो पिछले 10 वर्षों के दौरान इस सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए, उन निर्णयों ने किन किन कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाया है, कहां तक फायदा पहुंचाया है, यह नेशनल डिस्कोर्स का विषय बनेगा और इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है,
पड़ेगा ही, मैं नहीं कह रहा, चुनाव पर असर पड़ सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष कितनी मजबूती से उन प्रश्नों को उठाता है, उन चीजों को लेकर आम जनता तक ले जाने की कोशिश करता, और उसकी इस कोशिश को कहां तक मीडिया में स्पेस मिलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वह सोशल मीडिया हो, कहां तक उसे स्पेस मिलता। और अगर ये चीजें होती तो सरकार सत्तारूढ़ दल की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। नहीं सर, ये फैसला जो आया है ये तो अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, और जिनको जिन राजनीतिक दल को चंदा लेना होगा वो तो बहुत ले लिए होंगे, तो इसमें आप जो विपक्षी पार्टियां हैं खास करके कांग्रेस या और भी जो दल हैं, इस फैसला आने से क्या इसको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल हैं उन्हें भी पता चलेगा कि कांग्रेस को किसने चंदा दिया है या और भी जो विपक्षी दल है उसको किसने चंदा दिया, जब डाटा प्रकाशित होगा तो सबका प्रकाशित होगा निश्चित तौर पर। प्रश्न बड़े वैलिड है। पहली चीज मैं ये बताऊं, जो चंदा आ चुका है वो आ चुका है, वहां पर जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव है, रिसोर्सेज के इनइक्वल फ्लो वाली स्थिति जो दिखाई पड़ती वो तो एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चीज, आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिस तरीके से ईडी काम कर रहा है, जिस तरह से आईबी काम कर रही है, जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है, तो उसी स्थिति में इस बात की आशंका है कि जिन कॉरपोरेट घरानों ने भाजपा विरोधी दलों को चंदा दिया है उनको, उनके अगेंस्ट और उन राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लेने की कोशिश सरकार सत्तारूढ़ दल के द्वारा की जाए, विभिन्न तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाए। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि मामले तो सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में भी सामने आएंगे, लेकिन सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में इस मसले पर चुप्पी हो, जैसा वर्तमान में देखा पॉलिटिकल करप्शन के मामले में देखा जा सकता है, ये आपके एक वैलिड कंसर्न है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर टू, दूसरी जो चीज यहां पर उभर करके आती है वह यह आती है कि सारी चीजों के बावजूद ऑपोजिशन के पास भी स्पेस है, सिविल सोसाइटी के पास भी स्पेस है, जहां वह सत्तारूढ़ दल के मूल चरित्र को तथ्यों और तर्कों के आलोक में विश्लेषित कर सके और उसके मूल चरित्र से आम लोगों को परिचित करवाने की दिशा में पहल कर सके, ये विकल्प है उनके पास। यह इस बात पर निर्भर करता कि वे अपना होमवर्क कितने प्रभावी तरीके से करते हैं जी। तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ना है, और मुझे यह लगता सारी चीजों के बावजूद अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि इलेक्शन जब मोमेंटम गेन करता है, जब आम लोगों के बीच पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप जा रही है, तो वह एक अपॉर्चुनिटी है, वो पिक होगा, और उस पिक को इसके जरिए जो मोमेंटम मिलेगा वह फर्क पैदा कर सकता है। ये जो फैसला आया है, क्या हम लोग चुनाव सुधार की दिशा में इसे एक बेहतर कदम मान सकते हैं? निश्चित तौर पर, अगर पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी तो पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी जो है वह इलेक्शन रिफॉर्म का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह यह कि जिस तरीके से चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं, सिर्फ इतने प्रयास काफी नहीं होंगे, उसके लिए एडिशनल एफर्ट देने होंगे। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता, आज के कंटेक्स्ट में देखें, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में इंडिविजुअल कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर क्या होगा उसके लिमिट है निर्धारित किए गए, यद्यपि वो लिमिट कितना प्रैक्टिकल है और वह लिमिट ग्राउंड लेवल पर कितना दिखता है, इससे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं और सारे लोग वाकिफ जी। लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चुनाव जीतने के लिए जो खर्च किए जाते उसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है जी। तो एक लंबे समय से इस बात की, इस चीज की मांग की जाती है कि जिस तरह इंडिविजुअल के कंटेक्स में जो एक्सपेंडिचर लिमिट निर्धारित किए गए हैं, वैसे ही लिमिट पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में भी निर्धारित किए जाए,
जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में वे लिमिट निर्धारित नहीं किए जाते, तब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी जेन्युइन नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है जी, वह पानी की तरह पैसा बहाती रहेगी चुनाव जीतने के लिए। और इसी में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा जो रोचक है, मतलब इस फैसले ने सत्तारूढ़ दल और उसके शीर्ष नेतृत्व को कितना असहज किया है, इसका अंदाजा दो चीजों से आप लगा सकते हैं। पहला, कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने की जो रणनीति अपनाई गई, यद्यपि बाद में फिर उसे अनफ्रीज कर दिया गया, लेकिन फ्रीज करने की रणनीति अपनाई गई। दूसरी चीज अगर आप यह करके देखें तो आप यह पाएंगे कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट और उसके जजमेंट को लेकर जो तल्ख टिप्पणियां की जा रही, कल ही मेरी नजर पड़ी कृष्ण की पोटली का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज के दौर में यह हो तो पता चलेगा कि कोई जाकर के PIL दायर करेगा और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आएगा कि कृष्ण ने जो है वह घूस लिया। अभी ये सामान्य मसला नहीं है, ये सामान्य टीका टिप्पणी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड करने वाला व्यक्ति ऐसी टिप्पणी कर रहा है और इसमें यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यह उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर अटैक है, उसकी गरिमा पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं, आलोचना की छूट है आपको, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं तथ्यों और तर्कों के जरिए अगर आप उसको साबित करने की स्थिति में नहीं है तो आपका इंटेंशन वाला फाइल माना जाएगा और यह कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होगा। और वो चीजें आ रही, एक और बिंदु मैं ऐड करूंगा, आप गौर करें क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्शन बॉन्ड सेंटर में है जी, और हमारा चर्चा है रिसोर्सेज के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएट ना हो पाना। आज अगर आप जाकर के देखें कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं जिनको फंड रेजर माना जाता है, कॉरपोरेट से जिनकी नजदीकियां मानी जाती हैं, आप गौर करें एक एक करके कांग्रेस के उन नेताओं को जो है कांग्रेस से डिटैच करने की कोशिश हो रही है। साम दाम दंड भेद, या तो उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है या अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है जी। और उसमें उसका पर्पस ही एक है कि कैसे कांग्रेस के फंडिंग के सोर्सेज को ब्लॉक किया जाए। अगर फंडिंग के सोर्सेज को हम ब्लॉक करते तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए चुनाव में भारी जीत हासिल करना ऑटोमेटिकली आसान होता चला जाएगा। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन इस वक्त एक मामला और काफी चर्चा में है जब से ये फैसला आया है, PM केयर फंड को लेकर। इसमें भी ये है कि आम जनता जानकारी नहीं ले सकता कि कितने पैसे जो है कलेक्ट किए गए हैं जनता से और उसका क्या यूज हो रहा है। सरकार भी इसका कोई जवाब नहीं, सरकार की ओर से भी इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस PM केयर फंड को? मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, ऐसा कोई भी कदम जो जानकारी छुपाता है जी, ऐसा कोई भी कदम ट्रांसपेरेंसी को प्रभावित करेगा और ट्रांसपेरेंसी के प्रभावित होगी तो उसका एडवर्स इंपैक्ट अकाउंटेबिलिटी पर पड़ेगा। और इसलिए लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही है कि PM के, पहली चीज तो PM केयर फंड जैसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी पहले से मौजूद है। PM केयर फंड को एस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया ताकि उसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बाईपास किया जा सके। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित तौर पर अगला जो है, अब न्यायपालिका पर भी इस बात के लिए दबाव होगा और इस निर्णय ने सिविल सोसाइटी के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम किया है।
पॉजिटिव मैसेज दिया है और कल के डेट में पीएम केयर फंड को भी इसके दायरे में लाने की बात होगी। ये सरकार अगर जनता से पैसा कलेक्ट कर रही है तो इसका इसको अगर सूचना के अधिकार के कानून के तहत क्यों नहीं रखा जाता है ताकि एक आम जनता भी ये अर्जी लगा करके सूचना ले सकता है कि कितने पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है देश की जनता से। देखें, मैं तो इसके संदर्भ में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जी एक कवि हुए, बड़े कवि थे, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, मैट्रिकुलेशन में उनकी कविता हम लोगों ने पढ़ी थी, मेल गीत तो उसकी चंद पंक्तियां हैं जिनको मैं आपके सवाल के जवाब के रूप में उद्धृत करना चाहूंगा। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर वहीं से वह उतना ही बड़ा है। जब तक हम अपोजिशन में होते तब तक हम जनता की बात करते, जैसे हम सत्ता में आते हैं कैसे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए, कैसे जनता पर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया जाए, हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा उसी में खर्च होती है। जी। हम यह मान करके चलते और ये दुर्भाग्य से यह ट्रेंड 2009 के बाद और जोर पकड़ा है। 2009 में जब कांग्रेस दोबारा जीत करके आती है तो कांग्रेस को लगा कि अब जो मैंडेट हमें मिला वो फाइनल है और मैंडेट मिलने का मतलब है कि अब हमको कुछ भी करने की खुली छूट मिल गई। 2014 के बाद बीजेपी भी उसी तरह से बिहेव कर रही है, 2019 के बाद ये ट्रेंड और डोमिनेंट होता दिखाई पड़ेगा। और अगर अगर मतलब 2024 में भाजपा जीतती है तो ये डोमिनेंट और ज्यादा डोमिनेंट होगा, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें तो आप हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में लार्जर मैंडेट दें। लार्जर मैंडेट देने का मतलब क्या है कि लोकसभा में भी दो तिहाई बहुमत दे और राज्यसभा को तो कैलिब्रेट किया ही जा रहा है ताकि जब जो जिस तरीके से हम करना चाहे वो करने की हमें छूट मिल जाए। तो मुझे यह लगता है यह न डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और ना यह सिविलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतदाताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। यह मुझे लगता है एक मेजर डेमोक्रेटिक कंसर्न है जिसको ओवरलुक करने से हमें भी बचना चाहिए और जनता को भी बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता आप लोगों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि कैसे जनता को अवेयर किया जाए, पॉलिटिकली अवेयर किया जाए और जनता जिस प्रवाह में बढ़ रही है उसकी कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है, ये मैसेज उन तक पहुंचाया जाए। एक सर सवाल, ये चूंकि संवैधानिक व्यवस्था क्या है यह भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। अब तो खैर लोकसभा चुनाव हमारे आगे है, चुनाव के बाद ही सत्ता नई सरकार बनेगी तो कुछ होगा, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है क्या सरकार इसको पलट सकती है आगे आने वाले दिन में, अगर फिर से भाजपा की सरकार बनी पलट तो क्या सदन में इसको पलट सकती पलट है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है? पलट सकती है जी, नहीं कई बार न्यायपालिका के निर्णय को पलटा गया है जी। मैं रेफर करना चाहूंगा दिल्ली सरकार एलजी विवाद में जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आप देखें उस फैसले को सरकार के द्वारा पलट दिया गया और दुर्भाग्य यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस स्थिति को स्वीकार कर लिया। उसके पहले भी आप जाकर के देखें गोलकनाथवाद केस 1967 में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 24वें 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पलटा गया, 24वें 25वें संशोधन के द्वारा जो संशोधन किए गए उनमें कुछ संशोधनों को केशवानंद भारती केस के जरिए पलटा गया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पलटा गया, 42वें संविधान संशोधन को के कई प्रावधानों को मिनरवा मिल बात केस के जरिए पलटा गया। सरकार कोई भी कदम उठाती है उठा सकती है जी। लेकिन सरकार के वे विधायी कदम सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की ऑथोरिटी के दायरे में आएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकती है और जरूरत पड़ने पर वह उसे खारिज कर सकती है। एक बात हम समझें जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता कि यह पहली बार नहीं है जब इस सरकार के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है।
और कौन कौन से फैसले हैं? अगर आप जाकर के देखें तो जजेज अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन था, एनजेएसी एक्ट था जी, उसमें भी उसे असंवैधानिक फैसला घोषित किया गया। अगर आपको ध्यान हो, अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलटा गया। अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में रातों रात 5 बजे सुबह में जो है मध्य प्रदेश में जो है भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का ही दबाव था और डर था, जिसके कारण अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम पद से रिजाइन करना पड़ा और भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी रिजाइन करना पड़ा। कर्नाटका की कंटेक्स्ट में भी इस चीज को देख सकते हैं। अच्छी चीज यही है कि यह फैसला जिस समय पर आया है, इसकी टाइमिंग जो है वो महत्वपूर्ण है, और जिस समय में यह फैसला आया है सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकती है कि चुनाव के पहले इस फैसले को पलटने की दिशा में कोई कदम उठाए। सरकार की मजबूरी है अभी इस फैसले को स्वीकार करे, और आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय। स्वीकार भी तो नहीं कर रही है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। सरकार के जवाब की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट फैसला लाए, उस पे काफी ढोल बजा करके लाए हैं कि काफी पारदर्शी फैसला है, काफी बेहतर ये व्यवस्था की गई है, तो इस पे आपको कुछ तो जवाब देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता सरकार इस फैसले के बाद बैकफुट पर है। सरकार अगर कुछ भी जवाब देने की कोशिश करती है तो उसकी और अधिक फजीहत होगी। एक दूसरी चीज कि सर्वोच्च न्यायालय को जो काम करना था उसने कर दिया है जी। अब गेंद SBI के पाले में है, अब गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में है जी। SBI उस ऑर्डर को फॉलो करना है, SBI को उस ऑर्डर को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है इलेक्शन कमीशन जी। और अगर वो फॉलो नहीं किया जाता तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला बन सकता जी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे कुमार सर्वेश सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हर एक पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विस्तार से। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।